द्वितीय केदार मदमहेश्वर भगवान के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए आज सुबह 8 बजे विधि विधान से बंद हो गया है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर के निर्वाण दर्शन किए। इसके पश्चात पुजारी शिवशंकर लिंग ने भगवान मदमहेश्वर की समाधि पूजा कर जो है भगवान की पूजा की शुरुआत की तथा भगवान को भस्म भृंगराज फूल बाघांबर से ढक दिया। इस तरह भगवान मदमहेश्वर को समाधि रूप दिया गया। इसके साथ ही भगवान मदमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली को मंदिर परिसर में लाया गया। इस दौरान भगवान मदमहेश्वर ने अपने भंडार बर्तनों का निरीक्षण किया। इसके बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली रात्रि विश्राम के लिए गुंडार प्रस्थान कर गई। डोली 19 नवम्बर को राकेश्वरी मंदिर राशि 20 नवंबर को गिरिया पहुंचेगी। कार्यधिकारी आरसी तिवारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल ने बताया कि 21 नवंबर को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। इस अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मदमहेश्वर मेले का आयोजन भी होता है। मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कौर ने बताया कि इस यात्रा से जो है वर्ष के 7,500 श्रद्धालुओं ने भगवान मदमहेश्वर के दर्शन किए, जिसमें 20 से ज्यादा विदेशी भक्त भी शामिल है। न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।